channel creative PU और अब आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नया DIY वो भी ओल्ड बॉटल की मदद से नया DIY बनाने वाले हैं। इससे मैंने पेंट किया है, एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हो या फिर कोई वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वाटर कलर यूज कर रहे हैं तो उसमें फेविकॉल मिक्स कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक खाली कांच की बोतल ले रही हूँ। ये अमूल कूल मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क की बोतल है। आप चाहें तो किसी और तरह की ग्लास की बोतल ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं वाटर कलर और एक्रेलिक कलर दोनों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो एक्रेलिक कलर यूज़ करना चाहिए पर अभी लॉकडाउन के टाइम पर एक्रेलिक कलर नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने वाटर कलर में थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करके उसी को यूज़ करा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑफ ब्लू यानी कि बहुत लाइट ब्लू कलर कर दिया था इसके बेस पर और फिर इसके बॉटम से डार्क ब्लू कलर से वाटर लाइंस बनाते हुए शुरुआत करिए। जिसके हम पेपर पे पेंटिंग बनाते हैं तो हमें यहाँ पर इस बॉटल के ऊपर पेंट करना है। तो ये जो ब्लू कलर मेरे पास एक्रेलिक था ब्लू, तो उस एक्रेलिक कलर को यूज़ किया है। और ब्रश बिल्कुल पतला वाला 0 पॉइंट वाला ब्रश लिया है। तो यहाँ हमने सीधे सीधे यहाँ से नीचे से बाउंड्री बना दी है। और अब ब्लैक कलर, पहले मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से अंडरलाइन बना दी थी एक ट्री की, और फिर अब ब्रश की मदद से इसे फिल कर रही हूँ। ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक कलर ही लेना। आप रंग बिरंगे कलर मत लेने लग जाना, जैसे कि ब्राउन और ग्रीन, उससे अच्छा लुक नहीं आएगा। अगर आप ब्लैक से बनाएंगे तो उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो ब्लैक कलर से हमने यहाँ पे पेड़ बना दिया है और इसको फिल कर रहे हैं। और इसके पीछे वाले साइड पर भी हमें इसी तरह से एक ट्री बनाना है, उसकी शाखाएं बनानी है और उसे पेंट कर देना है। आप अकॉर्डिंगली आपको जितना इसकी ब्रांचेस चाहिए उतनी बना सकते हैं, कम चाहिए तो कम भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक साइड का ट्री है तैयार है। और सेम टू सेम ऐसा का ऐसा हम इसके पीछे वाले साइड पे भी बना देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो पीछे वाले साइड पे कुछ और भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हम एक छोटी सी नाव बना देंगे और इस नाव को चलाते हुए एक आदमी को भी यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो मेन ब्लैक कलर वाला काम था वो कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसमें लीव्स बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन भी मेरे पास एक्रेलिक था, तो ब्लू और ग्रीन तो मुझे एक्रेलिक मिल गए थे, तो मैंने उससे इसकी ग्रीन लीव बना दी और उसके ऊपर येलो शेड दे दिए। आप चाहें तो इसे ग्रीन येलो भी रहने दे सकते हैं इसमें, या फिर ऑरेंज या रेड भी मिक्स कर सकते हैं। दूसरी साइड के लिए मैंने ऑरेंज कलर का ले करके इस तरह से फिल कर दिया था और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वाइट कलर का टचअप दे दिया था और एक मून बना दिया था। तो इस तरह से ये पूरा पेंट होकर तैयार है। बहुत ईजी और बहुत जल्दी बन जाता है, बस इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो है ना, ये बहुत कमाल का DIY। और इससे आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं फ्लावर पॉट की तरह, या फिर इसमें LED लाइट्स जो दिवाली में हम यूज़ करते हैं उन लाइट्स को डाल करके एक लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।